जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, 15 मार्च 2022 का करंट अफेयर बिट डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे। ठीक है, और सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। बेसिकली ये जो चाय के बागान होते हैं उसमें काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। तो ये 7,000 श्रमिक उनमें जो है काम करते हैं, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का के तहत 85 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और जिसमें 7,000 चाय बागानों में श्रमिक काम करने वाले हैं उसमें से 75% तो महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बेसिकली बात कहें तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो राज्य में कितने 54 तो बागान हैं और 21 जो है चाय के कारखाने हैं जिनसे जो है प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, और 90 लाख किलोग्राम कम से कम चाय जो है उत्पादन करता है त्रिपुरा। तो बेसिकली ये मुख्यमंत्री ने उनके लॉन्च किए। ठीक है, त्रिपुरा के, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 6 हवाई अड्डों को मिला है ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड्स 2020, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी। कल के करंट अफेयर में मैंने बात की थी इसके बारे में। तो 6 एयरपोर्ट्स को जो है हमारे अवार्ड्स मिला है। ठीक है, किस चीज के लिए? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को जगह मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन हवाई अड्डों को वार्षिक यात्री यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो पहला जो है 40 मिलियन से अधिक यात्री जो प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं उनमें बांटा गया। तो उनमें पहला जो दो गए हैं छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी महाराज है और एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर? दिल्ली में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मुंबई में है। ठीक है, इनको चुना गया है। और 15 से 20 लाख के यात्रियों की श्रेणी में राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को रखा गया है, जो कि कहाँ पर है? हवा राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जो है तेलंगाना में, हैदराबाद में है, तेलंगाना के हैदराबाद में, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 से 15 लाख यात्रियों के लिए कौन सा हवाई अड्डा चुना गया है? तो कोचीन हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा 2 से 5 लाख यात्रियों के लिए चुना गया है। ठीक है, तो 2 से 5 लाख में चंडीगढ़ आता है, और एक नहीं, ये जो है 5 से 15 लाख में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा आता है जो कि अहमदाबाद में है, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में चंडीगढ़ एयरपोर्ट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 6 एयरपोर्ट के नाम भी पता चल गए और ये कहाँ पर हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, 6 एयरपोर्ट्स को, हवाई अड्डों को हमें ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजवाना हसन को किया गया है 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की एक वकील है। ठीक है, रिजवाना हसन जो 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रिजवाना को वैसे बेसिकली बात करें तो इनको 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? ठीक है, तो ये जो अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए, असाधारण सहयोग के लिए और नेतृत्व दिखाने के लिए इनको अमेरिका के विदेश विभाग ने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, ये बेसिकली जो ये पुरस्कार देता है अमेरिका का विदेश विभाग ही पुरस्कार देता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2007 में हुई है, और अब तक जो है 80 देशों के कुल 170 महिलाओं को ये सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोध गया में स्थापित की गई है भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। ठीक, किया गया जा रहा है बेसिकली। तो ये बोध गया कहाँ पर है? तो कुशी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में बोध गया है। ठीक है, और वहां पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मुद्रा, वो सॉरी, मूर्ति बनाई जा रही है। ठीक है, मूर्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये कितनी फीट लंबी है? तो ये 100 फीट लंबी है, 30 फीट ऊंची है। ठीक है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण जो है कोलकाता के मूर्तिकार द्वारा कर रहे हैं, फाइबर ग्लास से बनाई जा रही है। ठीक है, और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण। ठीक है, इसका सारा कार्यभार उन्हीं के द्वारा संभाला जा रहा है, देखा जा रहा है। सेबी ने यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। इससे पहले कितनी थी? तो 2 लाख थी। ठीक है, इससे पहले सीमा 2 लाख थी, अब क्या कर दिया है? 5 लाख कर दिया गया है। तो 1 मई 2022 से लागू होगी ये चीजें। ठीक है, अब जो है 5 लाख तक हम लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाख तक निवेश किया जा सकता है या ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, यूपीआई के माध्यम से, पहले इससे पहले 2 लाख था।
भारत रहा 66वें स्थान पर। तो इनोवेशन डे में, सॉरी ग्लोबल इनोवे इंडेक्स में भारत का 2022 में कौन सा रिकॉर्ड रहा है, तो ये 66वां स्थान रहा है, ठीक है, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी रूल्स में, ठीक है। और 195 कुल 195 देश के बीच जारी हुई थी ये सूची, और इसमें भारत का स्कोर कितना हुआ है, तो 42.8 समग्र जो है इसका स्कोर रहा है, और 66वां स्थान हासिल किया है देशों की लिस्ट में, ठीक है। संयुक्त अमेरिका पहले स्थान पर रहा है जिसने 75.9 समग्र सूचकांक स्कोर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ईरान ने किया पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर टू का प्रक्षेपण किया है, इन्होंने प्रक्षेपित कर दिया है। तो ईरान देश ने, ईरान ने जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा नूर टू प्रक्षेपित किया है, ठीक है। अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उत्तरी पूर्वी सहरोज रेगिस्तान में किया है, ठीक है, उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से कितनी, 500 किलोमीटर ऊपरी निचली कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण यान से पहुंचाया गया है, ठीक है। और 2020 में इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड से नूर उपग्रह, पहला नूर उपग्रह जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 2020 में, और 2022 में अब ये दूसरा नूर टू कर दिया है। कौन से देश ने किया है, बेसिकली आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको कौन से देश ने ये किया है तो वो याद रखना है, ठीक है। ईरान ने किया है, आपसे यही केवल क्वेश्चन कर सकता है वो, नूर टू कौन से देश ने जो है प्रक्षेपित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उत्तरी कोरिया ने किया है टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण, ठीक है। 6 मार्च को इन्होंने सियोल से टोही उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है, ठीक है। और इससे पहले 1 सप्ताह पहले ही इसने जो है दूसरा उपग्रह किया था पहले, ठीक है। ये लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण का जल्द ही परीक्षण कर लेगा, ठीक है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये करेगा क्या है, तो ये अब उत्तर कोरिया जो है समुद्र में पनडुब्बियों को आसानी से खोज सकेगा, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग है, प्योंगयांग है, और नॉर्थ कोरियन इसकी जो है मुद्रा है वोन, और इसके ताना शाह तो आप जानते ही हैं कौन है, किम जोंग उंग है, ठीक है। आरबीआई ने लॉन्च किए फीचर फोन के लिए UPI 123 Pay, ये मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है, जिसके तहत आरबीआई ने फीचर फोन के लिए UPI 123 Pay नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो अरे इसी के साथ एक चीज और लॉन्च की है उन्होंने, डीजी साथी। डीजी साथी में क्या करेंगे, ये 24/7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म जारी रखेंगे, ठीक है। इसमें ये एक टोल फ्री नंबर देंगे, ठीक है, ये जिसकी सहायता से आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। और आरबीआई का मुख्यालय की बात करूँ तो ये मुंबई में है, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, शशिकांत दास हैं, और ये 1935 में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भूपेंद्र यादव ने साल 2022 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो है मंत्री है भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, जिन्होंने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरित किया है, ठीक है। वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 96 लोगों को दिया गया है, और राष्ट्रीय पुरस्कार की, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की बात करूं तो ये 141 लोगों को दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये 2017, 2018, 2019 और 20 के लिए दिए गए हैं, कुल 144 पुरस्कार दिए गए हैं, और 72 विजेता है इसमें हैं, और 72 जो है रन अप रहे हैं। चलिए अब वन लाइनर देख लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर में इसमें मैंने कुछ पिछले क्वेश्चंस भी डाले हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए, जो कि कल क्लास मैंने ली थी उनके कुछ क्वेश्चंस मैं वन लाइनर में ले आता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता रहे और जो पीछे मैंने पढ़ाया उसको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस राज्य ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है, तो ये बिहार ने कर दी है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है, तो ये थापर नगर झारखंड में किया गया है, ठीक है। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो 150 छात्रों का जो है चयन किया गया है, ठीक है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है, तो ये उड़ीसा ने किया है, ठीक है। और किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी पर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये अमेरिका ने किया है, और इसके बारे में मैं कल भी बता चुका था जैसे कि, तो बी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का किस स्थान पर आया, तो 93 स्थान पर आया, ठीक है। इस देश के ट्रांसजेंडर भूमि का श्रेष्ठ
को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार दिया गया था। ये भी प्रीवियस है जो मैंने कल पढ़ाया था, ये नेपाल की हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, साल 2022 से 2023 के लिए सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अर्जुन रंगा बने हैं। ठीक है, एफएलओ की बात करूं तो किस राज्य ने एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री ली केकियांग साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे? तो ये चाइना के होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो किस देश के सेना प्रमुख जनरल रिचर्ड बुर ने क्या भारतीय सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज का दौरा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना का लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा की है। और किसके लिए की है? तो चाय बागानों में काम करने वाले 7,000 श्रमिकों के लिए की है, जिसमें से 75% महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जीएस से, इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, पौधों में जल परिवहन का ऊतक है? तो ये बायोलॉजी से है। ठीक है, ये कौन है? कॉर्टेक्स है, स्टेलिन है, और फ्लोएम है, या जाइलम है? तो इसका आंसर क्या होगा? जाइलम होगा। ठीक है, जाइलम होगा इसका आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, लॉर्ड कर्जन, मोर्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो इसके जो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मुंबई? तो ये जो है जय हिंद पुल कोलकाता में है। ठीक है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास ने की थी, या फिर गुरु अर्जन देव ने की थी, या गुरु नानक देव ने की थी, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी, और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है गुरु, या फिर इनको 10वें गुरु माना जाता है। ठीक है, सिखों का इसका जो आंसर होगा वो गुरु अर्जन देव ने की थी, सॉरी रामदास ने नहीं की थी, गुरु अर्जन देव ने की थी। चलिए आगे बढ़ें। परमाणुता के संदर्भ में आर्गन है पॉली एटोमिक है, डायटोमिक है, या फिर ट्राई एटोमिक है, या मोनो एटोमिक है? तो इसका जो आंसर होगा वो मोनो एटोमिक होता है। ठीक है, एक परमाणु होता है। चलिए आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और सेशन पे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।